ये जो कप्तान है ना, ये बहुत नमक हराम है और उसकी नमक हरामी सबसे ज्यादा किसी ने देखी है तो गुजरात में हमने देखी। और इसीलिए कहते हैं कि गुजरात की 6.5 करोड़ जनता की ओर से, न केवल बिहार, पूरे मुल्क 130 करोड़ जनता की माफी मांगते हैं कि इतना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला पीस हमने गुजरात से दिल्ली भेज दिया। और गुजरात के चुनाव के वक्त अमित शाह का कहना था घमंड के साथ कि 150 सीट लाएंगे। हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और हम लोगों ने मिलकर, वहां की जनवादी ताकतों ने मिलकर, वहां के दलित, आदिवासी, मुसलमान, किसान और मजदूरों ने मिलकर उस 150 सीटों के घमंड को 99 पर लाकर खड़ा कर दिया। और बाकी का काम जो गुजरात में अधूरा रहा है वो बिहार की जनता के तौर पे अब सभी क्रांतिकारी भाई बहनों को, किसानों को और मजदूरों को पूरा करना है। साथियों, ये कप्तान कितना नमक हराम है आप देखिए कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार के जिन मजदूरों के खून और पसीने से अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और बड़ौदा की सड़कें बनती हैं, वहां के फ्लाईओवर बनते हैं, वहां की ईंटों के भट्ठों में ईंटें पैदा होती है, उन बिहार और यूपी के मजदूरों को गुजरात में मारा गया, 12-15 दिन मारा गया, लेकिन इस नमक हराम की जुबा से एक शब्द तक नहीं निकला। शेम ऑन यू नरेंद्र मोदी, शेम ऑन यू। लेकिन गुजरात केवल संघी भाजपाइयों का या मोदी जी का नहीं, गुजरात उनका भी है जो फूले में मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर में मानते हैं, शहीद आजम भगत सिंह में मानते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि गुजरात की जनता के दिल में कल भी यूपी और बिहार के मजदूरों के लिए जगह थी, आज भी है और कल भी रहेंगे। यूपी और बिहार के मजदूर और गुजरात के मजदूर एक है, और दोनों मजदूर, दोनों स्टेट के किसान, दोनों स्टेट का युवा साथ में मिलकर 2019 में मोदी की घर वापसी करवाएगा।